नमस्कार सकाल अपडेट खबर सह सकाल खबर को स्वागत करछु मो शक्ति बुलेटिन को कुनबा किंतु प्रथम देखनबा कोन रहछु हेडलाइंस। बंगोपसागर पुणि एक लघुचाप सृष्टि आज केन्द्रझर मयूरभंज और सुंदरगढ़ में अति प्रबल वर्षा बुढ़ावलंग सुवर्णरेखा जलका नदी में बनिया आशंका 18 जिला को पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना सेपटे उबुटुबु अवस्था हीराकूद जलभंडार पुणी पिपिली अशांतर वातावरण मधुपुर मतदान केन्द्र निकट में फुटिला बोमा छक रास्तार बोमार अंश ठब बोमामाड़ पर दुर्वृत्त फेरार अंचल भयर वातावरण पंजाब कांग्रेस रे पुणी ट्विस्ट पीसीसी अध्यक्ष पदर इस्तफा दे नवजोत सिंह सिद्धू मंत्रिमंडल चारि मंत्री भी इस्तफा सेपटे सिद्धू को कैप्टेन का निशाना कहिले पूर्वरु कहिथिले से जणे अस्थिर व्यक्ति पूरी ऑपरेशन रे सेना को बड़ा सफलता सेना गुड़ी रे टळिला लश्कर जणे आतंकी जणे गिरफ पाकिस्तान रा पंजाब प्रांत रु आसीथिला गिरफ आतंकी अली बाबर पात्रा 9 दिन धरी चलीथिला ऑपरेशन 10 दिन रे फंड हेलेनी अनुप्रवेश रा 3 षडयंत्र अमेरिका कांग्रेसनाल रिपोर्ट रे बड़ा खुलासा 12 कुख्यात आतंकवादी संगठन रो चला भई पाकिस्तान भारत रे आतंक सृष्टि पाए नियोजित 5 संगठन अफगानिस्तान रे तालिबान को करुछंती सहाय्य पुष्टिहीन मुक्त भारत अभियान को मिलबा बड़ा भारतीय कृषि जगत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा उपहार देश उत्सर्ग कले 35 फसल नुआ कि समय पटे ओडिशा रे प्रतिवर्ष पुष्टिहीनता ने हजार हजार शिशु जीवन विश्वर बढ़ुचे भारत चावल चाहिदा चावल रप्तानी रे इंडिया रो रेकर्ड कोविड महामारी सत्वे 12% अभिवृद्धि पड़ोसी देश सह अफ्रीकीय राष्ट्र को चावल जोगाउछि भारत चलीगला बात्या देगला दुख गुलाब उजाड़ी देला मक्का फसल 300 एकर अधिक मक्का चाष नष्ट नवरंगपुर पापड़ाहांडी ब्लॉक चाषी दुख पुणी पिपिली अशांत वातावरण देखा मिली माधीपुर मतदान केन्द्र निकट में बोमा फुटी माधीपुर छक रास्तार बोमार अंश भी ठाब कर बोमामाड़ पर दुर्वृत्त फेरार हो आसंका उपनिर्वाचन पर मतदान होगाक जाऊँ बूथ केन्द्र में पहुंची सारी ईवीएम मेसीन मतदान पर प्रस्तुति शेष पर्यायर किंतु पिपिली बजार ठारु 3 किलोमीटर दूर पिपिली जटणी रास्तार माधीपुर छक बोमामाड़ जहाक नहीं स्थानीय लोकों मध्य भयर वातावरण देखा मिली ए संपर्क में अधिक अपडेट पर सहित अनलाइन जोड़ी होती आम प्रतिनिधि कालूचरण साहू कालु बोमामाड़ किए कला एवं किभली भाव रहला कौन यार उद्देश्य से संपर्क में वर्तमान सुधा पुलिस किसी जानवाक पाला निश्चित भाव शक्ति साई पूरा जो पिपिली उपनिर्वाचन रही जेहेतु आसंता काली रही मतदान रही पिपिल पूरा संपूर्ण भाव में अशांत हो पड़ी अनेक स्थान में बोमामाड़ होता सूचना एवं जो आम गत काली राति चित्र कथा कहवा राति 12 समय भितर पिपिली ठारु पाखापाखि 3 किलोमीटर दूर माधीपुर चकटे बोमामाड़ होता सूचना मिलला और से बोमामाड़ जत घटनाटी संपूर्ण बोमामाड़ संपर्क घटनाटी आम पाखे पहुंचला आम घटनास्थल पहुंचला समय बोमार अंश विशेष रास्ता पर पड़ता स्थानीय अंचल लोक मन कोकुआ भय सृष्टि कारण कहीं किसी बुझा पूर्व बोमामाड़ होता और राति पाखापाखि 12 समय से समस्त जेहतु शोपड़े के बोमामाड़ करते के संपर्क स्थानीय लोक मैंने किसी पारे कि गोटे बड़ कथा हूँ राति तमाम सबुआड़े पूरा पीसीआर जो पैंतरा मारा कथा कितु से भाई पैंतरा मारूना बर्तमान जहाँ सूचना रही बोमामाड़ संपर्क में पिपिली थाना पुलिस पाखे बोध हुए खबर ना कि जहां बड़ प्रश्न जो पिपिली उपनिर्वाचन चली पुलिस प्रशासन कहूँ संपूर्ण भाव में सुरक्षित भाव में निश्चित भाव में उपनिर्वाचन चलित वर्ष उपनिर्वाचन हो कितु घन घन बोमामाड़ चलना पिपिली अंचल कारण विगत दिन मानक नजर अच्छी विगत वर्ष मानक नजर अच्छी पिपिली पूरा अशांत हो पड़े पिपिली तो उपनिर्वाचन चलता
ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବୋମାମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲି ରାତି 12ଟା ସମୟ ଭିତରେ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପିପିଲି ପୋଲିସ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ନଥିବା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବୋମାର ଅଂଶବିଶେଷ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଯୋଉ ମାଧିପୁର ଛକର ପାଖାପାଖି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ରାତିର ସେ ବୋମାମାଡ଼ର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆବାସ ସାରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁରା ତାବ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ନେଇକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଅଛି। ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆଉ ରାତି ପାଇଲେ ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଲେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହବ, ପୁଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ବୋମାମାଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଲିସ ଖବର ପାଉନି, ଏହା ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୋଉ ରାତି ପାଇଲେ ନିର୍ବାଚନ ହବ ବା ମତଦାନ ହେବ, ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିବାସୀ ଭୋଟ ଦେବେ, କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ବା କେତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମତଦାନର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ବୋମାମାଡ଼ ହେଉଛି ଏବଂ ପୁଲିସ ପାଖରେ ଯଦି ଖବର ନାହିଁ, ୟାଠୁ ଆଉ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥା ପିପିଲିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାଳୁଚରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ। କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଇଏ କିଏ କରିଛି ଏବଂ କିଭଳି କରିଛି ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ ପାଖରେ ହିଁ ଖବର ନାହିଁ ଯେ ଏକ ବୁଥ୍ ନିକଟରେ ବା ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ବୋମା ଫୁଟିଛି, ବୋମାର ଅଂଶ ବି ପଡ଼ିଛି, ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଢ଼ାପାଳଙ୍ଗ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ବରଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। 18 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଛି ସତର୍କ ସୂଚନା। ଅନ୍ୟପଟେ ଉବୁଟୁପୁ ଅବସ୍ଥାରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ବିପଦ ସଂକେତ 3630 ଫୁଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜଳସ୍ତର ସମାନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଫଳରେ ବର୍ଷା ପୁଣି ବନ୍ୟା ବିପତ୍ତି ଆଣିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ। କବିତା, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ କହୁଛି, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ? ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ଗତକାଲି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇଛି, ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ତଥା ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଏହା ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଲଘୁଚାପଟି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଏହା ସହ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସୂଚନା ଯାହା ମିଳୁଛି। ଆଉ 18 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ବିଶେଷ କରି କୁହନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି କେଉଁଝର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ କରି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ସହ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ଟିକେ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ଯଦି କହିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ସମୟ ସମୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ମାରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ସୂଚନା ପାଇଁ। କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବ, ଖାସ କରି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ହୀରାକୁଦର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ହୀରାକୁଦରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ। ହୀରାକୁଦରେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଂକେତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ବନ୍ୟାଜଳ। ତେଣୁ ଯଦି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରୁହେ, ତାହେଲେ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୀରାକୁଦର ଜଳ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ପଞ୍ଜାବ ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ଘଡ଼ିକିଏ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟୁଛି, କଂଗ୍ରେସ କନ୍ଦଳ କମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ। ଇସ୍ତଫା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁଣି ପଞ୍ଜାବ ରାଜନୀତିରେ ହାଇ ଡ୍ରାମା, ସଭାପତି ହେବାର ମାତ୍ର କେଇ ଦିନରେ ପଦ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସିଦ୍ଧୁ। ନିଜ ଇସ୍ତଫା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପତ୍ର।
पंजाब राजनीति रे एबे घड़ी के घोड़ा छुटुची। कांग्रेस रे कंदळ कमिबार ना नेहु नाही। आउ एसबू भितरे पंजाब कांग्रेस सभापति पदरु इस्तफा दे देइछंती नवजोत सिंह सिद्धू। दलर अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखि सिद्धू कहिछंती पंजाब रो भविष्यत सह कोनोसी सालिस करि पारिबि नाही, तेणु पंजाब सभापति पदरु इस्तफा देउची बोली कारण दर्शाइछंती सिद्धू। तेरे हठात सिद्धू एभली निष्पत्ति काहीक ने चर्चा थमुनि। क्या इंगित कर सिद्धू चिठी लिखिं तापर्यंत परदा हटि पारि। पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह निज कार्य से निर्वाचन भार को बीजेपी को एकुटिया से सम्मुखीन होता से केन्द्रीय नेतृत्व में बड़ा योगदान ना तो यह तुंग नेता साइड लाइन कांग्रेस जो गैम्बलिंग करता से गैम्बलिंग आज आप देखुचे केन्द्र नेतृत्व जो पशा खेली से पशा आज पलटि जाए दल से एक प्रकार विखंडित अवस्था रही जहां को भरोसा करी जहां को गोटी कर चलते से गोटी आज कम दे नवजोत सिंह सिद्धू से गोटी सीधा पशा पाल बाहरी जाए अर्थात युद्ध पूर्व अस्त्र त्याग कर। चर्चा यह हो नुआ मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सिद्धू संपर्क भल ना एथिपाई विभिन्न निष्पत्ति को नहीं दुई जनक मतांतर नहीं चर्चा होता। या छड़ा चन्नी मंत्रिमंडल विभाग बंटन में सिद्धू असंतुष्ट थिबा जणाइथिले मैं किसी भी बयान के नहीं पैना चाहता लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू साडे प्रधान अच्छे लीडर है। सेपटे सिद्धू को इस्तफा परे पूर्वतन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रतिक्रिया रखिछंती। से कहिछंती सिद्धू जणे स्थिर व्यक्ति नुहंती, से सीमांत राज्य पंजाब पई उपयुक्त नुहंती। तबे पाखापाखि दुई मास तले अमरिंदर को अनिच्छा सत्वे कांग्रेस हाईकमांड सिद्धू को पंजाब कांग्रेस रो अध्यक्ष पद रे नियुक्त करथिला। सिद्धू को जब मैं कह रहा हूं कि अनस्टेबल तो उसको ने कोई रिएक्शन तो होगा ही, क्या कहा होगा, मैंने किसी को कुछ नहीं। सेपटे सिद्धू को इस्तफा परे दिल्ली रे एबे बड़ो हलचल। सोनिया राहुल को मीटिंग एपटे दिल्ली में पहुंची कैप्टन अमरिंदर सिंह। यह सब भितर कांग्रेस भविष्य नहीं बड़ प्रश्न ठिया हो। कांग्रेस पार्टी खुद अपनी चालबाजी के चक्रव्यूह में चकनाचूर हो रही है और ये कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी है जिसने कि जिसकी नीतियां और जिसके कार्यक्रम और जिसके नेतृत्व पूरी तरह से नकारात्मकता से भरपूर रहे हैं और जिसका क्या असर उनके खुद उनके ऊपर दिखाई पड़ रहा है। दलियों कंदल दल को बुड़ाई देवनी तो एने ये चर्चा जोर धरी। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। प्रथम खबर रे समय हेचु गोटे छोट विरतिर। जम्मू काश्मीर एलुसु निकटे उरी सेक्टर रे पाकिस्तान आतंकवादी एक बड़ धरणर अनुप्रवेश को पंड कर भारतीय सेना अनुप्रवेश उद्यम करुवा बेले गुड़ विनिमय घटना जड़े पाकिस्तानी आतंकवादी मृत्यु घटा सह जड़क जीवंत धरी भारतीय सेनार जवान एनकाउंटर तीन जन भारतीय जवान आहत होता सूचना मिली। गत शनिवार भारत सीमा को अनुप्रवेश उद्यम करते पाकिस्तानी आतंकवादी से सजाग थे भारतीय सुरक्षा एजेन्सी। I am here to give you information about successful conduct of a military operation that was carried out over a period of 9 days along the line of control in Udi area. On the evening of 25th September, thereafter an encounter ensued. Out of these two terrorists, one terrorist was neutralized on the morning of 26th. Once this terrorist was neutralized, his accomplice, he pleaded to us for us to spare his life. There was a lot of shouting. He said he asked us to spare his life. As is the ethos and value system of Indian Army, we do not use force, lethal force against any unarmed person. So due precautions were taken and he was taken into own custody. Now if I invite your attention to the fact that this infiltration attempt was made in the area of Salamabad Nala. This is the same area through which we have had a history of infiltration in 2016. That is when a suicide attack at Udi garrison took place. It is also revealed
that this infiltration group was supported from the Pakistani side by three porters who had come till the line of control along with supplies. In last 7 days, 7 terrorists have been neutralized and 1 terrorist has been apprehended, and 5 of these neutralizations have taken place along the line of control. निकटे अमेरिका रे अनुष्ठित होइतबा क्वाड बैठक अवसर रे अमेरिका संसद पानकर एक कमिटी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस जे रिपोर्ट दैछि ताहा बे खोली दैछि पाकिस्तान रो असल मुखा। पाकिस्तान रे पालैछि विभिन्न गोष्ठी रो कुख्यात आतंकवादी अड्डा स्थली। 1980 मसीहारु देश रे एबे मोट 12टी आतंकवादी संगठन सक्रिय रहितबा कांग्रेसनल रिपोर्ट रु जणा पडैछि। पाकिस्तान पलटिछि 12टी कुख्यात आतंकवादी संगठनर चराभुई। पाकिस्तान आतंकवादी चेहरा को पदारे पकाइला अमेरिका कांग्रेस नाल रिपोर्ट। भारत में आतंक सृष्टि पाई नियोजित अछंती 5टी संगठन आउ केतेक संगठन अफगानिस्तान ने तालिबान को करुछंती साहाज्य। आतंकवाद को प्रोत्साहन देउथिबारु पाकिस्तान को मिलुनाहि आंतर्जातिक साहाज्य। आतंकवाद एवं पाकिस्तान कौनसी परिस्थिति रे केहि काठारु जे अलगा होई पारिबे नाहि से कथा सारा विश्व समुदाय को जणाछि। मात्र समुदाय केतोटी आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में सक्रिय अछंति से बाबद रे विशेष किछि जणा नथिला। निकटरे अमेरिका रे अनुष्ठित होइथिबा क्वाड बैठक अवसर रे अमेरिका संसद मानकर एक कमिटी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस जे रिपोर्ट देछि ताबे खोली देछि पाकिस्तान नो असल मुखा। पाकिस्तान एबे पारटिछि विभिन्न गोष्ठी रो कुख्यात आतंकवादी को अड्डा स्थली। 1980 मसिया रु आज पर्यंत से देश रे एबे मोट 12टी आतंकवादी संगठन सक्रिय रहिथिबार कांग्रेसनल रिपोर्ट रु जणा पडिछि। से 12टी संगठन मध्यरु केतेक सारा विश्वर विभिन्न स्थान रे आतंक सृष्टि पई काम करुथबा बेले केतेक भारत बा जम्मू काश्मीर केतेक पड़ोसी अफगानिस्तान आउ केतेक सेई पाकिस्तान रो विपक्ष धार्मिक गोष्ठी सिया संप्रदाय उपरे आक्रमण एवं आतंक पई काम करुछंती। पाकिस्तान साहाज्य रे भारत रे अति कम रे 5टी आतंकवादी संगठन आतंक सृष्टि करबा काम रे नियोजित होइछंती। ए आतंकी संगठन गुड़िक मध्यरु प्रथम रहिछि तालिबान जहाँ को 2002 रे अमेरिका आंतर्जातिक आतंकवादी संगठन बोली आख्या देइथिला। तालिबान नेतां को मध्य पाकिस्तान क्वेटा कराची एवं पेशवार रे आश्रय दे आसतुला। यापर रहिछि अन्यतम कुख्यात आतंकवादी संगठन अलकायदा जी अमेरिकार वर्ल्ड ट्रेड टावर आक्रमण मास्टरमाइंड। कराची एवं खाइबर पख्तूनख्वा अंचल रे संगठन को आश्रय दे आतंकवाद को प्रोत्साहित करुछि पाकिस्तान। सेहिपर इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस बा आईएसके मध्य एक कुख्यात आतंकवादी संगठन जी आंतर्जातिक संगठन आईएसआईएस रो एक शाखा। पाकिस्तान ने आश्रय नहीं संगठन निकटने काबुल एयरपोर्ट रे विस्फोरण घटाई चर्चा को आसला। 1980 गठित हक्कानी नेटवर्क मध्य एक आतंकवादी संगठन जी पाकिस्तान आईएसआई समर्थन ने एवं तालिबान सरकार रे अंशीदार पलटि। पाकिस्तान पंजाब एवं पीओके रे सक्रिय थिबा अन्यतम आतंकी संगठन लश्कर ई तोयबा मुंबई आक्रमण में संपृक्त रही। सहित भारत संसद भवन आक्रमण में संपृक्त जैश ई मोहम्मद मध्य पाकिस्तान चल आतंकी नेटवर्क। हिजिबुल मुजाहिदीन तेहरिक ई तालिबान पाकिस्तान बा टीटीपी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हरकत उल जिहादी इस्लामी हरकत उल मुजाहिदीन सिपाही ई साहबा पाकिस्तान भली आउ केतक आतंकवादी संगठन मध्य पाकिस्तान ने सक्रिय रही आतंकवाद तालीम नेबा सहित पाक सरकार समस्त प्रकार सहयोग पाउछंती। केवल एक कारण पाकिस्तान को मिलना कौन सी आंतर्जातिक संगठन आर्थिक साहय निजर अर्थनीति खराब अवस्था को गति करुले भी आतंकवादी हाथ छाड़ूनि पाकिस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आज संबलपुर अधिष्ठात्री देवी माँ समलेश्वरी पीठ से आरंभ हो षोड़श उपचार पूजा षोड़श द्वीप प्रज्वलन सह पु जीवंती ओषा मध्य अनुषित होस 6 तारीख में समलेश्वरी धवलमुखी बेश अनुषित होगा बेले नवरत्र पूजा आरंभ सह मंदिर भितर नवरत्र द्वीप प्रज्वलन कर 11 तारीख में पीठ से सप्तमी पूजा अनुषित हो 13 तारीख में महाअष्टमी और भाई जयंती पूजा कर 15 तारीख में समलेश्वरी रणजीता उत्सव पालन सह दशहरा पर्व अनुषित हो। आम आपको नहीं जाऊँ माँ समलेश्वरी मंदिर निकट को सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि शुभश्री बारिक। शुभश्री षोड़शोपचार पूजा आज माँ समलेश्वरी आरंभ हो तो किभ भाव रही है मंदिर परिवेश कौन आज रीतनीति सब अनुषित हो मंदिर
निश्चित भाव में आज संबलपुर अधिष्ठात्री देवी माँ समलेश्वरी पीठ से षोडश उपचार पूजा विधि आरंभ होगापी जाऊँगी सन्धार जदि देखा पुओ जयंती ओषा अच्छी द्वितीय ओषा जोटा कि माँ मैंने करज पा छुआ समलेश्वरी मंदिर चित्र देखापी कह कैमेरामैन अजित को समलेश्वरी मंदिर एवं पर्यंत साजसजा किसी आरंभ होनी कि बहुत शीघ्र आरंभ होगापी जाऊँगी आसंता छः तारिख दिन माँ महालया गंगा दर्शन अच्छी जो कि गत वर्ष मानक आम देखा बहुत भक्त श्रद्धालु भिड़ होता है माँ गंगा दर्शन देखापी कि चलित बर्ष जिला प्रशासन तरफ जो निष्पत्ति निजाई कोविड कटका भितर निराडम्बर भाव में माँ सबू नीतिकांति आयोजित कर आम सहित तो एवं सीधासख भाव जोड़ी होती समलेश्वरी मंदिर मुख्य पूजक अंबिकार आज्ञा पाखर प्रतिक्रिया नवा जी मंदिर कौन कौन नीतिकांति कौन पूजा विधि रही है आज्ञा षोड़श उपचार विधि आज आरंभ है कौन कौन नीतिकांति आज्ञा देख आमर षोल पूजा आरंभ है आज पूजा के द्वितीयन पूजा बोले कहसी माँ मैंने जेन पुचुंतिया कहसन पुचुंतिया कहसन तो पहला कथा हूँ बहुत लोग तो नहीं जानी कि खाली भावुचन लोग कि मैंने ये खाली मर्त रोला बोल कि तार आगुन श्रीकृष्ण भगवान मानने गोलक धाम करते रम्य बुद्ध धाम करते यशस्वी होबार लगी तापर निजे ब्रह्मा मधुकटक डरी कर पूजा करते तार पुतारू तार विभिन्न देवी देवा करते राजा भी निजे कले आ पूजा रे टिके जो आठ साढ़ है मैंने सांग सांग फल मिलसी आज भक्त मान के मानने षोड़श दीप जेन पूजा आरंभ है आज आज तक मानसिक दीप भी प्रज्वलन करेंगे जेनटा कि आम पुओ जुँती है भाई जुँती तक तार तारू सन्धार ये मुझे सन्ध्या आठ बजे मुई पूजा करासी जेहेतु मुई यहाँ उपवास रहसी आजे घर पूजा आने की पूजा करसमी आ छ तारीख आमर माँ गंगा दर्शन अच्छे जेनटा कि दुर्लभ दर्शन बोलसन क्या कर मैंने यहाँ जेन मैंने श्राद्ध करसन श्राद्ध कर सारे तार गंगा पुण्य निहाती दरकार से माँ को धवल बेस करा गंगा बेस करा जेनटा कि माँ को सीदिन देखीदे मैंने माने ए वर्ष कौन रही माने नियम नीति नियम कौन रही माने भक्त श्रद्धा आसी दर्शन देख गला वर्ष तो आज्ञा पूरा कॉविड एतक जोर था जे दर्शन भी भक्त मैंने पारे ये तो आम भावुँ टे कम अच्छे बोलिक भक्त मान दर्शन करवा सुयोग दिहा बोल के आम जहाँ शुणुचु आज आम कलेक्टर न गाइडलाइन आसवा आसले टाइमिंगटा जना पड़वा ना तो मंदिर नवरत्र खोला रहा भक्त दर्शन करवा दिहा ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुभश्री प्रतिक्रिया नौले पूजकों जो भाई भाव में माँ समलेश्वरी पीठ आज षोड़श उपचार पूजा आरंभ हो तार विधि विधान परंपरा संपर्क सूचना दूसरे मंदिर पूजक परवर्त खबर को जी चाउल रप्तानी में भारत रेकर्ड कोविड महामारी सत्वे 12% अभिवृद्धि घटी पड़ोसी देश सह आफ्रिकीय देश को चाउल जोगाउछि भारत एवं सारा विश्व में बढ़ुछि भारतीय चाउल चाहिदा चाउल रप्तानी क्षेत्र में रेकर्ड करिब भारत कोविड-19 महामारी जो 2020-21 आर्थिक वर्ष में चाउल रप्तानी में 112 अभिवृद्धि होइछि जहाँकि देश में एपर्यंत चाउल रप्तानी क्षेत्र होता सर्वाधिक वृद्धि चलित बर्ष आरंभ प्रथम मासरे प्राय 12.84 मिलियन टन चाउल रप्तानी होई प्रथम चारिमास चाउल रप्तानी में 72% अभिवृद्धि होता गत 20 मास भीतर भारत चाउल रप्तानी क्षेत्र में एक अग्रणी देश भाव विश्व उभा यार क्रेडिट केतेकांशर कोविड महामारी को जा कारण है कोरोना विश्वर अन्य देशगुड़िक चाउल रप्तानी करते आ यार सुजोग नहीं भारत चीन पर द्वितीय बृहत्तम धान अमल कर देश है भारत देश में अमल होता धान एशिया आफ्रिकीय देश को रप्तानी होता है भिएतनाम सह बांग्लादेश नेपाल पश्चिम आफ्रिका एवं पूर्व आफ्रिकीय देशगुड़िक भारत प्रचुर मात्रा चाउल आमदानी करती चलित बर्ष भारत मोट चाउल रप्तानी 22 बिलियन टन छुई पारे कृषकों प्रोत्साहन देवारु भारत सरकार विभिन्न पदक्षेप ग्रहण कर जहार प्रतिफलन चाउल रप्तानी में होता यह अभिवृद्धि ए भितर सरकार अनेक बंदर हैंडलिंग दक्षता वृद्धि कर
देशरे आंध्रप्रदेश काकीनाडा बंदर रु चाउल रप्तानी होता है। ओडिशा छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र आसुवा अणबासुमती चाउल रेल द्वारा परिवहन हो काकीनाडा पोर्टे पहुंची थाए सेठारु ही अन्य सब आमदानीकारी देश को जाए हेले बंदर रे अधिक भिड़ रोकता एवं सरकार काकीनाडा पाखरे एक बंदर रे व्यवस्था करिछंति। तथ्य अनुसार नवेम्बर सुधा मासिक एक रु 1.2 बिलियन टन चाउल रप्तानी हो तेब परिवहन खर्च रे वृद्धि कंटेनर न मिलिबा एवं भिएतनाम थाइलैंड एवं पाकिस्तान रे चाउल दर कमिबा 2021-22 रे देश रे चाउल रप्तानी उपरे प्रभाव पकाई पारे। गत वर्ष भारत रु अधिक चाउल किनिथिबा भिएतनाम ए वर्ष मे मास रु चाउल नेउनाहि तेबे भिएतनाम एवं थाइलैंड रे भारत रो चाउल गत मार्च रु सस्ता रहिछि या सत्य भारत रो चाउल चाहिदा एथर विश्व रे बढ़िछि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समय बुलेटिन बर्तमान खबर को नमस्कार।